ए प्लस टू बी गिव्स सी थ्री सी प्लस टू डी ये कोई रिएक्शन है. द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी the rate of disappearance of B is 1 into 10 raised power minus 2 mole per liter second inverse. ये आपको रेट दिया हुआ डिसअपियरेंस का. What will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction? Comma, second part of the question है. And the rate of change in concentration of A and B. And the rate of change in concentration of A and C. सॉल्व कीजिए. सिंपल सा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं देखने को. सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आंसर आ जाएगा. तो चूंकि एक क्वेश्चन में ये रिएक्शन आपको इस प्रकार का दिया हुआ है, तो जो आप रेट का एक्सप्रेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी. ये आप रेट का एक्सप्रेशन यहां पर लिख सकते हैं. डन, कोई डाउट? रेट अगर आपको निकालना है किसी, अच्छा एक ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, दिया है ना. What will be the rate of disappearance of the rate of disappearance of B आपको दे दिया, यानी dB by dt आपको दिया हुआ है. ये वाला वैल्यू दिया है, उसको हाफ कर देंगे तो क्या रेट नहीं निकल जाएगा? तो रेट निकालना बहुत आसान काम है. फर्स्ट पार्ट से आपका क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा. या dA by dt भी निकाल दीजिएगा, वो भी किसके बराबर होगा? रेट के ही बराबर होगा. अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी. आपको dA by dt निकालना और dC by dt निकालना है. ये अभी आपको निकालना है. तो एक तो रेट निकालना है, तो जो जो वैल्यू है उसको आधा कर दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा. और जब A के टर्म्स में निकालेंगे तो ये ऑलरेडी आपको पता है, जो आधा करिएगा वही रेट माने dA by dt रेट है. और जब C के टर्म्स में निकालिएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल्टा C by डेल्टा T निकल के आ जाएगा. तो आपको dA by dt निकालना है, लिखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A by dt, यही किसके बराबर है? रेट के बराबर है. नेगेटिव साइन भी है यहां पर नेगेटिव साइन भी है. इज इक्वल टू, यहां भी नेगेटिव साइन है, हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी. अब ये माइनस से माइनस खत्म, आपके पास क्या बचा? तो अगले पेज पर चल रहे हैं. रेट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 into 10^-2. इसको सॉल्व करिएगा, आएगा 0.5 into 10^-2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो आपका dA by dt या रेट भी यही है. तो आपका दो पार्ट का आंसर आ गया एक साथ.
डी ए बाई डी टी यानी चेंज इन कंसंट्रेशन वाला, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब दूसरा आपको ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या था आपको निकालना है, प्लस वन बाई थ्री चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। बस यहां से डी सी बाई डी टी आपको क्या करना है, निकालना है, यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ डी सी बाई डी टी। अब यहां पे जो ये माइनस साइन है, क्योंकि अब हम इसको डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं, रेट से, इसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और अब जब आप डी सी बाई डी टी निकालिएगा तो ऐसे भी मेरा डी सी बाई डी टी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस तरफ था, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड का रेट ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यह आएगा थ्री बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी, कितना दिया हुआ है, वन इंटू टेन एस बार माइनस टू। इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से आएगा 1.5 इंटू टेन एस बार माइनस टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा डी सी बाई डी टी, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक आंसर कहाँ पे होगा, एक आंसर आया यहाँ पे डी ऑफ ए बाई डी टी, और ये आपका एक और आंसर हो गया। ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, हेडिंग डालिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग।